सब लोग सुन लो, आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। सुना सबने, मर चुका है ये इस घर के लिए, हमारे परिवार के लिए। अब मेरी मौत के बाद मेरी चिता को आग मेरा बेटा नहीं, मुखग्नि मेरी बेटियां देंगी। पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। मामा, पापा को समझाइए ना। पापा, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आज माफी मांगता हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा मुझे घर से मत निकालिए। मम्मा पापा को समझाइए ना। मैं आप लोग का इकलौता बेटा हूं, मेरा मेरे बेटे होने का हक मुझसे मत छीनिए। प्लीज प्लीज पापा, प्लीज पापा मुझे घर से बाहर मत निकालिए। पापा मैं आप लोग के बिना नहीं जी सकता। पापा पापा मुझे घर से बाहर मत निकालिए। सूर्यकांत, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। मैं जानती हूं युवराज ने गलती की है इस उम्र में। वाह, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर ही लिया है। आज से मैं इसे अपने परिवार, अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल करता हूं। मर चुका है ये हम सब के लिए। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी अर्थी को कांधा, मेरी बेटियां देंगी। मेरा अंतिम संस्कार भी मेरी बेटियां करेंगी। मेरी चिता को अग्नि देने का हक मैं सिर्फ अपनी बेटियों को देता हूं। आज से ये हक और एक बेटे के अपने पिता पर जो भी हक होते हैं वो सारे हक मैं इससे छीन रहा हूं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा दरवाजा खोलिए। पापा दरवाजा खोलिए। पापा
कजरी, कजरी कहां जा रही हो तुम? कजरी, कजरी कहां जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? छोड़ो मुझे, तुम जैसे आदमी के साथ मैं एक पल भी नहीं बिताना चाहती। कजरी, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ ये तुम पूछ रहे हो युवराज? मैं ये तो जरूर जानती थी कि तुम अपनी गलती छुपाने के लिए किसी को बलि का बकरा बना सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी युवराज कि तुम बलि का बकरा मुझे बना सकते हो। कजरी, बहुत बोल चुके तुम, और वैसे भी इस सच्चाई के सामने आने की वजह तुम और रसीली बाई हो। क्या जरूरत थी उस पार्टी में डांस करने की? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो उसका क्या अंजाम होगा? ये तुमने कुछ नहीं सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि मैं एक कोठे वाली हूँ ना, इसलिए मैंने ये सब नहीं सोचा। मतलब ये सब रसीली बाई ने मुझसे जबरदस्ती करवाया। हाँ युवराज, अगर तुमने मेरे साथ साथ रसीली बाई की सारी जरूरतों का भी ख्याल रखा होता ना, तो मुझे उनके कहने पर ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। पर तुम तो अपने परिवार का पल्लू पकड़ के बैठे हुए थे। चिल्लाओ मत मुझ पर युवराज, तुम अपना कसूर दूसरे के सिर पर मत थोपो, समझे तुम? कजरी सुनो मेरी, युवराज कजरी को तो बाद में भी मना सकते हैं, पर पहले ये सोच कि गरुड़िया निवास में फिर से पैर कैसे रखा जाए। कुछ सोच युवराज, तुझे कोई ऐसा आइडिया सोचना होगा जिससे तू पापा का भरोसा फिर से जीत सके। तुझे उन्हें मनाना होगा, उन्हें फिर से तेरे लिए उतना प्यार जताना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद ही तुझे घर में वापस बुला लें। सोच युवराज, सोच। बापूजी, आ गया मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला, मेरे नाम को रोशन करने वाला युवराज आ गया। युवराज इस पूरे षड्यंत्र का एक हिस्सा है बापूजी। શું થયું સૂર્યકાંત? મારથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, બહુ મોટી ભૂલ. બેટા બેટા કરતે કરતે
मैं अपनी बेटियों का मैं तो ही भूल गया था। हमेशा बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव करता रहा मैं, बेटियों को बेटों से ओछा और नीचा समझता रहा। मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि ऐसा करने से मैं अपने आप को नीचे गिरा रहा हूं। हर पल हमेशा मेरी बेटियां सही रास्ते पर थी, मैं ही रास्ता भटक गया था। अब मैं ये कैसे भूल गया कि एक जिंदगी को अपनी कोख में 9 महीने पालने वाली एक बेटी ही तो होती है, एक बेटे को जन्म देने वाली एक बेटी ही तो होती है। बेटे के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया कि सोने जैसी खरी मेरी चार चार बेटियों को मैं नहीं पहचान पाया। मुझे माफ कर दो, नहीं सूर्यकांत, तुम क्यों अफसोस कर रहे हो? गलती तो मेरी थी, मैंने ही तुझे दूसरी शादी करने पर मजबूर किया था। मैंने ही तुझसे कहा था मुझे करौड़िया परिवार का वारिस चाहिए, इस घर का कुलदीपक चाहिए जो हमारे घर का नाम आगे बढ़ाए। मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि कुल का नाम तो बेटे रोशन करते हैं। मूर्ख थी मैं, भूल गई थी कि बेटे तो सिर्फ एक ही घर का नाम आगे बढ़ाते हैं, बेटियां तो दो दो घर का नाम आगे बढ़ाती हैं, एक मायके का एक ससुराल का। एक स्त्री होने के बावजूद मैं समझ नहीं पाई थी सूर्यकांत कि सरस्वती, दुर्गा, गौरी, लक्ष्मी जैसी देवियां जिनकी लोग पूजा करते हैं वैसी बेटियों ने हमारे घर में जन्म लिया है, पर मेरी बूढ़ी आंखें उन्हें पहचान नहीं पाई सूर्यकांत। नहीं सूर्यकांत, गलती तो मेरे पुरानी सोच की है, मेरे जुनवानी विचारों की है गलती है सूर्यकांत। नहीं बा, आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। तुमने और तुम्हारी बेटियों ने इस घर में जो कुछ सहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को अपने अधिकारों से दूर रखा उसके लिए मैं दोषी हूं, मुझे माफ कर दो। बा, ये आप क्या कह रही है बा? ये हाथ माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। बा, छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है ना घर में, चार दीवारों को घर बनाती है। इस घर से, आपसे, इस घर के किसी भी सदस्य से मुझे और
मेरी बेटियों को कोई शिकायत नहीं है। हम तो बस आपकी और बापूजी की परछाई बनना चाहते। आप लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं करना चाहते बा। देखा बा, ये है हमारे संस्कार, उनका बड़प्पन। हम बड़े अपनी सोच में भले ही ओछे हो जाए, छोटे हो जाए, लेकिन हमारी बेटियां हमें कभी ओछा नहीं होने देंगी, हमेशा हमें बड़ा ही रखेंगी। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। बापूजी, हमें प्रायश्चित करने के लिए अपनी बेटियों को गले लगाना चाहता हूं। बहना, ये सब क्या है? कपड़े बैग में क्यों फेंक रही हो? कहाँ जा रही? बस ऋषिका, बहुत हो चुका। इतना सब कुछ होने के बाद मैं इस घर में एक पल नहीं रुक सकती। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ए बहना, दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो और विचार करो। बोलो तो बर्फ की सिल्ली रख दो सर के ऊपर। तुम कब से भावुक होके फैसले लेने लगी? या? अरे तुम व्यवहारिक हो तो व्यवहारिक बनो, हालात को समझो। यहां तो जीजा जी ने पहले ही युवराज को लात मार के घर से बाहर कर दिया, और अगर तुमने इस वक्त घर से बाहर कदम रखा ने तो भविष्य में चाहकर भी इस घर के अंदर नहीं आ पाओगे। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? आज तक उन्होंने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। आज मुझे सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा रसिक भाई, थप्पड़। ये मैं थप्पड़ कभी नहीं भूलूंगी। इस थप्पड़ ने मेरे स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस थप्पड़ ने मेरे भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने उन्होंने सबके सामने कह दिया, रसिक भाई सबके सामने कह दिया कि मुझसे शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती रसिक भाई, जहां मेरे स्वाभिमान को इतनी ठेस पहुंची है, जहां मेरी कोई इज्जत नहीं, बस मैं अब नहीं रह सकती। नहीं, तुम्हारी मम्मी मारी गई है। देखो वो बहना, देखो मैं मानता हूँ तुम्हारे पर अत्याचार हुआ है। अरे सीता मैया को भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि स्नान करना पड़ा था, अग्नि स्नान। तुम क्या चीज हो? देखो बहना, मैं मानता हूँ कि ये संकट की घड़ी है,
तुम्हारे पर अन्याय हुआ है, लेकिन मैं भी भाई हूं तुम्हारा, संकट की घड़ी में से भी रास्ता जरूर निकालूंगा, कोई ना कोई तिकड़म जरूर चलाऊंगा। बस तू जरा धीरज रख, शांति से काम ले, मुझे सोचने दे बस। Thank you.